पाकिस्तान से जुड़े जम्मू बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ सेना तैनात कर दी गई है। 2020 में चीन के साथ टकराव के बाद जवानों को जम्मू रीजन से हटाकर लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी भेज दिया गया है। हालांकि अभी एलओसी से यहां जवान नहीं लाए हैं, बल्कि जम्मू में 2 से 3 दिन में अतिरिक्त तैनाती होनी है। जो जवान पहले से जम्मू हैं, उन्हें ऑर्डर भेज दिया गया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक कठुआ के पहाड़ी इलाकों में 80 किलोमीटर के दायरे में जवान तैनात हो चुके हैं। उन्होंने नदियां, बरसाती नाले, घुसपैठ के पुराने मार्गों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। जानकारी शनिवार 20 जुलाई को जम्मू पुलिस मुख्यालय से सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में हुई बैठक में दी गई। इसमें बताया गया कि जम्मू रीजन में जवान बढ़ाने और खुफिया सूचनाओं को तुरंत साझा करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर को उन्नत किया गया है। आतंकियों के सफाए के लिए इंटर कमांड बदलाव करते हैं, कमांडो भी तैनात किए गए हैं। वेस्टर्न कमांडो से फौज भी भेजी गई है। जम्मू क्षेत्र के पीरपाल और चिनाब घाटी में 12 से अधिक आतंकी समूह सक्रिय हैं। 9 जुलाई को रिहासी इलाके में हमले के बाद सुरक्षा तंत्र को 19 सिग्नल भेजे गए थे। इसमें सांबा और हीरानगर में भारत पाक सीमा पर अगले कुछ दिनों में बड़ी घुसपैठ के संकेत मिलने के बाद सेना बढ़ाई गई है।